हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट फॉर नॉलेज एंड एग्जाम में। आज हम अध्ययन करेंगे अधिगम सिद्धांत का वर्गीकरण के विषय में। अधिगम की आधुनिक वैकल्पिक अवधारणाओं को निम्नलिखित दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है व्यवहारवादी सहचर्य सिद्धांत, दूसरा है ज्ञानात्मक व क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत। व्यवहारवादी सहचर्य सिद्धांत विभिन्न उद्दीपनों के प्रति सीखने वाले की विशेष अनुक्रिया होती है। इन उद्दीपनों तथा अनुक्रिया के सहचर्य से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उनकी व्याख्या करना ही इस सिद्धांत का उद्देश्य होता है। यानी इन उद्दीपनों तथा अनुक्रिया के सहचर्य से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उनकी व्याख्या करना इस सिद्धांत का उद्देश्य होता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत थार्नडाइक्स, पावलोव, स्क्रीनर के अधिगम सिद्धांत आते हैं। कभी कभी एग्जाम में यह पूछा जाता है कि थार्नडाइक का सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है, तो यह व्यवहारवादी सहचर्य का सिद्धांत है। पावलोव का भी व्यवहारवादी सहचर्य का सिद्धांत है और स्क्रीनर का भी व्यवहारवादी सहचर्य का सिद्धांत है। ज्ञानात्मक क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत। अधिगम का यह सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में उद्देश्य, अंतर्दृष्टि और सूझबूझ के महत्व को प्रसिद्ध करता है। यानी सूझबूझ के महत्व को यह सिद्धांत जो होता है प्रसिद्ध करता है। इस सिद्धांतों के अंतर्गत वार्डेमेयर्स, कोहलर्स एवं लेविन के अधिगम सिद्धांत आते हैं। इस संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत भी कहते हैं। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत किसे कहते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा ज्ञानात्मक व क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत को। वार्डेमेयर्स, कोहलर एंड लेविन का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है, तो ज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यहाँ से दो मुख्य क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो यह हो गया वार्डेमेयर्स, कोहलर और लेविन किस प्रकार के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, तो ज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है थार्नडाइक, पावलोव और स्क्रीनर का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है, तो व्यवहारवादी सहचर्य सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अधिगम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको हम देखेंगे। पहला है, सीखने के लिए विषय का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो सीखने के लिए विषय का स्वरूप हमेशा सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, न कि कठिन से सरल की ओर। सीखने के लिए हमेशा जो प्रक्रिया होती है वो सरल से कठिन की ओर होती है। कक्षा का कौन सा वातावरण सीखने को प्रभावित करता है, मनोवैज्ञानिक वातावरण जो होता है सीखने को प्रभावित करता है मुख्य रूप से। अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है अभिप्रेरणा। अधिगम का मुख्य चालक क्या कहलाता है, अभिप्रेरणा। सीखने की आयु मानी जाती है 1 से 5 वर्ष। इसमें जो बालक होता है बहुत तीव्र गति से सीखता है,